देखने वाले लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। तो दोस्तों गेम से लीग की कार्रवाई इस वक्त एक बड़े रेस्टोरेंट पर जारी है। तजावीजात के खिलाफ गेम सी एंटी इन्वॉल्वमेंट की टीम रोज की बुनियादों पर कार्रवाइयाँ करती हुई नजर आती है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन कार्रवाइयों के बाद दोबारा इंक्रोचमेंट हो जाती है, बहुत सी जगहों पर दोबारा इंक्रोचमेंट आ जाती है, लेकिन इस दफ़ा जीएमसी की कार्रवाइयाँ हर जगह की जा रही हैं। ये आप देख सकते हैं, इस वक्त होटल के ऊपर तमाम लोग बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे, कोई पराठा खा रहा था, कोई चाय पी रहा था कि अचानक ये क्या हो गया, एकदम भगदड़ मच गई और ये कुर्सियाँ भी फेंकी जा रही हैं, टेबलें भी फेंकी जा रही हैं। वजह ये है कि ये पूरी फुटपाथ है और जिसको इस वक्त आधे से ज़्यादा रेस्टोरेंट बनाया गया था और यहाँ पर केएमसी एंटी कॉरपोरेशन टीम ने, ये चारा फैसल का इलाका है और यहाँ पर ये रोड है और ये रेस्टोरेंट है और इनकी तमाम तर इंक्रोचमेंट फुटपाथों पर मौजूद। इन तमाम रेस्टोरेंट वालों को तंबी कर दी गई है सब तरीके से और उसके नतीजे में बहुत से रेस्टोरेंट वालों ने तो अपनी दुकानें शटर नीचे गिरा दिए थे कि कहीं फुटपाथ पर जो रखा हुआ सामान उन्होंने जल्दी जल्दी अंदर किया है तो कहीं वो सामान ना निकाल दिया जाए। ये सामने आप देख सकते हैं ग्रीन बेल्ट है जिसके ऊपर तमाम टेबलें और कुर्सियाँ वगैरह रखी जाती थी और गेम्स एंड इंक्रोचमेंट ने यहाँ पर ये कार्रवाई तीसरी बार की है। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, इससे पहले नाइट ऑपरेशन किया गया था और नाइट ऑपरेशन में भी काफ़ी सामान जब्त किया गया था। अब दिन के टाइम भी यहाँ पर ऑपरेशन किया गया है और दिन के टाइम भी यहाँ पर काफ़ी तादाद में सामान को जब्त कर लिया गया है और जो ग्रीन बेल्ट है उसको खाली करा लिया गया है। ये आप देख सकते हैं इस जगह पर टेबले और कुर्सियों की एक भरमार थी और बाकायदा रेस्टोरेंट बना हुआ था और गेम चेंज इंक्रोचमेंट टीम की खतरनाक कार्रवाई और इस तमाम चीज़ ग्रीन बेल्ट को खाली करा दिया गया और तमाम जो सामान का वो जब्त कर लिया गया है। दोबारा मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, आवाम की काफ़ी तादाद यहाँ जमा हो चुकी है और गेम के ट्रक भर चुके हैं इंक्रोचमेंट की कुर्सियों वगैरह। दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं अलादीन पार्क के अतराफ, यहाँ पर भी फुटपाथ पर बाकायदा छापड़े वगैरह लगाए गए हैं और पूरे फुटपाथ को ख़त्म किया गया और उधर कोई सब्ज़ी बेच रहा है, कोई काउंटर लगाया हुआ है मुख्तलिफ़ किस्म के, कहीं पर गन्ने रखे हुए हैं, कहीं पर कुछ इसको भी यहाँ से हटाया जा रहा है। बजरिया लिख कर तो केएमसी का कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में तजावीज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। आप देख सकते हैं गन्ने की मशीन जो कि मुस्तकिल बुनियाद पर फुटपाथ पर मौजूद थी, इसको भी बजरिया लिफ्टर ट्रक में लोड करने का अमल जारी है। ये मेन रोड चल रहा है अलादीन पार्क के अतराफ, जितनी भी इंक्रोचमेंट है उसका खात्मा किया जा रहा है। इससे पहले दोस्तों याद होगा हमने आपको हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट की अपडेट दी थी, नाइट ऑपरेशन हुआ था, काफ़ी बड़ा ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद एक हफ्ते के बाद हमने फिर कल उसकी एक अपडेट दी थी जिसमें कुछ हद तक हमें इंक्रोचमेंट थोड़ी बहुत वापस नज़र आई लेकिन उतनी तादाद में नहीं थी जितनी पहले होती है। ये मनाजिर यहाँ के रक्षा है वो बहस कर रहे हैं
जबकि ग्रीन बस का ट्रैक है और यहीं पर आगे टेबलें वगैरह कुर्सियां वगैरह रखी गई हैं, उनको भी ये देख सकते हैं आप फुटपाथ के ऊपर मौजूद है। तो कराची के हर जगह जहाँ पर भी आप जाएंगे इस किस्म की इंक्रोचमेंट आपको हर जगह नज़र आएगी। 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का शहर और इंक्रोचमेंट की तादाद। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।